महमूद साहब, यार ये बड़े दिनों से मैंने आपसे कहा हुआ है, जाले लगे हुए हैं, आप उतार ही देते कम से कम। देखें कहाँ, मुझे तो कोई जाला नहीं नजर आ रहा। अभी परसों तो मैंने बंदा मंगवा के सारी सफाई करवाई है। अच्छा, फिर मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई होगी। खैर नबी, ये तुम नीयत ख़राब मत करो। ये लड़की मुझे पसंद ही नहीं है। मैं बर्गर की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं। आपको ये बर्गर लगती है? मुझे ये बर्गर नहीं लग रही, बर्गर बर्गर लग रहा है। वैसे बाय द वे महमूद साहब, आपको खाने के अलावा कुछ आता है? हाँ, बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए तो मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है बस आप खाने के लिए जिंदा हैं। अरे भाई, हमने तो बड़ों से यही सुना है कि इंसान हैजे से मर जाए, फाके से ना मरे। वैसे महमूद साहब, हद होती है, बंदा पूछ ही लेता है। कौन बंदा? मैं कब से आपके बराबर में बैठा हूँ यार, मुझसे भी पूछ ले। तुम कब से मेरे बराबर में बैठे हो नबी? मैं ये पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर मुझसे बर्गर खाने का ही पूछ ले। अच्छा नबील, तुम्हें बर्गर खाना कैसा लगता है? मैं उसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये बराबर में खोखा है, वहां से जाके ले आओ। वाह, अरे चैनल क्यों चेंज कर दिया? मैं म्यूजिक चैनल देख रहा था। तो मैं भी तो बर्गर को देख रहा था ना। तो मैंने वो बदला तो नहीं है, वो ही खा रहा हूँ। महमूद साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर मुझे क्यों उठाया है? किसने? तुमने। महमूद साहब, मैं आपको कैसे उठा सकती हूँ? अपना वजन तो चेक करें। तो क्या तुमने मेरा वजन चेक करने के लिए मुझे उठाया है? महमूद साहब, मैंने आपको नहीं उठाया। मेरा मतलब है, तुमने मुझे आवाज दी ना। किसकी? अपनी। महमूद साहब, मैं आपको अपनी आवाज क्यों दूंगी? नबील कहाँ है? पता नहीं। तो सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? सुबह कौन? मेरा मतलब है, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? तुमने अपना नाम सुबह रख लिया है। महमूद साहब, सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि सुबह है कौन। कोई सवाल कर लो तो फिर जवाब ही नहीं मिलता। चल भाई। अरे महमूद निया, आ रही है और पानी भी नहीं है। तुम सुबह सुबह क्या लेने गए थे? अंडे। क्या देने गए थे ये नहीं पूछ रहा, क्या लेने गए थे वो पूछ रहा हूं। अंडे ही लेने गया था, मार्केट में शॉर्ट हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से दिए हैं। मुर्गी ने? नहीं, दुकानदार ने। ये अंडे दुकानदार ने दिए हैं? हाँ। क्या जमाना आ गया भाई। आप खाएंगे? नहीं। क्यों? मैं मुर्गी के अंडे खाता हूँ। ओहो महमूद साहब, ये मुर्गी के ही अंडे हैं। दिए तो दुकानदार ने है ना। महमूद साहब, मैं जा रहा हूँ बाहर नाश्ता करने। नहीं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम में पानी नहीं है। पानी लेने जा रहे हैं?
अरे बाबा मुझे बाथरूम जाना है। तो बाथरूम तो अंदर है, बाहर क्या करने जा रहे हैं आप? ये मैं तुम्हें आके बताता हूँ। मेरी बात तो सुने महमूद साहब, महमूद साहब। अब ये सारे अंडे मैं अकेला खाऊंगा। नाश्ता तैयार है? तो जाओ ले आओ, बहुत भूख लग रही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि नाश्ता तैयार है? तुम बताओ ना। अच्छा तो ये बात, लगता है तुम्हारे मंगेतर को फोन करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मिला के दूं। ये लो, बात करो बात करो। साइमा है लाइन पे। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जाओ और नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लग रही है। मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं पे ले आना। और तुम्हें याद है ना, मैं ऑमलेट नहीं खाती। ओके? ऑमलेट नहीं खाती? बॉइल्ड एग में मैं जहर डाल नहीं सकता। मुर्गी को जहर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ताकि वो जहरीला अंडा दे इसके लिए। घर में पानी नहीं है क्या? फ्रिज में है। अब मैं क्या फ्रिज में जाके नहाऊं? उसका दरवाजा अच्छी तरह बंद नहीं होता। Are you trying to be funny with me? मुझसे अंग्रेजी में बात मत करो। Why? अंग्रेजी वाला चश्मा नहीं है मेरे पास। What a cheapster. गैंगस्टर कह गई मुझे। ओह कौन आ गया इस वक्त? कहाँ गए थे? मस्जिद क्या था? ओह कितने जमा हुए? जो जमा किए थे वो खर्च कर आए हो। किस रेस्टोरेंट में होके आ रहे हैं आप? मुझे भूख नहीं लगी थी, मुझे सिर्फ लगी थी। ये सिर्फ लगी क्या होता है? जब तुम्हें लगेगी ना तब पता लगेगा। क्या कर रहे हो? अंडे बना रहा हूं। कहां पर? महमूद साहब मैं अंडे पका रहा हूं, मुझे मत पकाएं। ये जो तुम पका रहे हो ये अंडे हैं? आप क्या डंडे समझ रहे हैं? खूबसूरत कहां है? किचन में। किचन में तो तुम हो। तो मैं खूबसूरत नहीं हो सकता? मैं उस खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूं। उसका नाम मत ले मेरे सामने। इसका मतलब है कि वो कमरे में है। मैंने कहा था नाम मत ले। अरे मैंने तुम्हारा नाम कब लिया है? मेरा नहीं, उसका नाम मत ले। क्यों? नौकर बना के रख दिया है, अच्छा खासा ठाट से रह रहा था। अंडे बनवाती है, कपड़े इस्त्री करवाती है मुझसे। अब पता चला, इसलिए अभी भी कहता हूं कि उससे सुलह कर लो, वरना ये जो ढाई बाल रह गए हैं ना ये भी जाएंगे। सुलह करती है मेरी ज्योति, मैं ऐसी लड़की को मुंह नहीं लगाता। यस वो मैं आपके लिए। हाँ, बेड पे रख दो। बेड पे रख दूं? ये क्या है? क्या तुम्हारे हाथों में उंगली? उंगलियों में क्या है? नाखून। मैं इस फूल की बात कर रही हूँ। यू फूल। ये फूल। मैं नाश्ते में फूल नहीं खाती। तो ये खाने के लिए नहीं है फूल? फिर किस लिए? ये फूल मैं आपको देने के लिए लाया था। मेरा फूल नहीं है ये? हाँ ये आपका फूल नहीं है, ये गुलाब का फूल है। तो गुलाब को दो। तो गुलाबी को तो दे रहा हूँ। व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये देने की? अभी दिया कहाँ है? देना भी मत। तुम तो खामखा नाराज हो रही हो, मैं तो ऐसे ही। शट अप। आइंदा इस तरह की चीप हरकत करने की कोशिश की ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। 15 रुपए लगे हैं मेरे, ऐसे ही बाहर फेंक दूंगी। फूल की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। इसका मतलब है तुम्हें ये फूल कबूल है? जस्ट गेट लॉस्ट यू लूजर, गो। नाश्ता लाओ जल्दी। ये तुम खूबसूरत के कमरे में क्या कर रहे थे? अब तो आपने देख लिया ना। नहीं नहीं मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा? हाँ। बहाने से अंदर बुला लेती है। सफाई के लिए? सफाई तो दे रही थी लेकिन मैंने एक बात नहीं सुनी। कौन सी एक बात? मैंने कोई बात भी नहीं सुनी, मुझे कह रही थी तुम खूबसूरत। खूबसूरत तो वो है। अरे वो तो नाम की खूबसूरत है, शक्ल में तो मैं खूबसूरत हूँ अंदर से आपका भाई।
मगर मेरा तो कोई भाई नहीं है। अरे महमूद साहब मैं हूँ ना। हैं? ये तुम्हारे हाथ में फूल कहाँ से आया? यही तो महमूद साहब, जबरदस्ती फूल थमा दिया अंदर बुला के। क्या? हाँ हाँ महमूद साहब, ये लड़की ठीक नहीं है। ये लड़की? नहीं नहीं नहीं, वो लड़की। वो यही तो है। ओहो खूबसूरत कर दिया। हाय हाय हाय, एक्चुअली वो खूबसूरत बच गए। महमूद साहब मुझे लगता है ये कहीं नाराज तो नहीं होगी। ये जो हुई है वो नाराज है। लग ऐसे ही रहा है। ठीक ही लग रहा होगा तुम्हें। देखो तुम ना गलत समझ रही हो, मैंने ना महमूद साहब से जान छुड़ाने के लिए वो कहा था। तुम्हें पता है महमूद साहब सनकी हो गए हैं, पागलों की तरह बोलते रहते हैं, कोई सुने ना सुने। महमूद साहब। ओहो क्या, क्या क्या कर रही हो? बुजुर्ग आदमी है खूबसूरत, बुरा मान जाएंगे। प्लम्बर का फोन नंबर कहाँ है? मिली नहीं ना। मैंने उसको फोन कर दिया, बस अभी आता ही होगा। क्या हुआ, फूके क्यों मार रहे हो? गर्मी बहुत लग रही है महमूद साहब। अच्छा मैं समझा शायद आयतल कुर्सी पढ़ के फूके मार रहे हो। क्या हुआ? बेल तुमने बजाई है? जी। बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, मैंने बजाई थी। क्यों बजाई है? यहाँ पर लगी हुई है इसलिए। अरे यहाँ तो सबके दरवाजों के बाहर बेल लगी हुई है, क्या सबकी बेल बजाओगे तुम? नहीं। तो फिर मेरी बेल क्यों बजाई है? ये आपकी बेल है। अरे मेरी बेल नहीं है, डोर बेल है, क्यों बजाई है तुमने? अरे आप ही ने तो मुझे फोन किया था बेल बजाने के लिए। अरे नहीं अंकल, प्लम्बर के लिए। प्लम्बर कहाँ है? आपके सामने। अरे हमारे सामने तो डॉक्टर साहब रहते हैं। अरे मैं प्लम्बर हूँ यार। शक्ल से तो तुम जमादार लगते हो। खैर आओ अंदर आओ। 1000 रुपए लूंगा। अंदर आने के? अंदर आने के नहीं, काम करने के। काम तो अभी हमने करवाया ही नहीं है। अरे काम करने के बाद 1000 रुपए लूंगा चचा। तुम्हारा चचा 1000 रुपया क्यों लेगा? काम क्या है? अब वो बाथरूम में कोई मसला है। कहाँ है बाथरूम? ये इधर इधर यहाँ पे है मसला। ये है भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं खुद चेक कर लूंगा मसले वसले, समझाऊंगा। अच्छा चलो मसला चेक। कौन है भाई और नंगा मुंह लेके कहाँ जा रहे हो? भाई बात मैं बताता हूँ अभी आके। ये कौन है? महमूद साहब कहाँ जा रहा है? बाथरूम जा रहा है। आपने इससे 5 रुपए लिए? किस काम के? जो काम ये अंदर करने जा रहा है। काम तो वो करने जा रहा है, मैं पैसे किस काम के लूं? ओहो महमूद साहब, लोग अब हमारा बाथरूम मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। मैं प्लम्बर हूँ यार। प्लम्बर है। सुनो प्लम्बर, जल्दी बोले। जल्दी क्यों बोलूं? मैंने तो कुछ और बोलना है। क्या बोलना है? जो राइटर ने लिखा है वही बोलूंगी ना। क्या लिखा है? मेरे बाथरूम का शावर काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा? चाय नहीं बना रहा होगा, है ना? शट अप। और बोलो और। मुझे नहाने जाना है, प्लीज जल्दी आकर देख लो। बाद में आकर देखता हूँ। वैसे महमूद साहब कितनी गलत बात, मुझ जैसा हंक इस घर में मौजूद है लेकिन वो प्लम्बर को बुला रही है। ये बात तो वाकई गलत है। महमूद साहब, ये अंदर से गोलियों की आवाज कैसी आ रही है? हो सकता है वो अंदर गोलियां खा रहा हो या। अंकल तुम्हें आवाज दे रहा है? मुझे उसकी आवाज नहीं चाहिए। अंकल पानी नहीं आ रहा। अरे भाई तो इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। अब मैं बाहर कैसे आऊंगा भाई? दरवाजे से। मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। लगता है महमूद साहब काम खत्म करके ही आएगा। लगा रहे बच्चे, लगा रहे। मुझे पानी चाहिए। ओए बाहर आके पी लेना। मैं बाहर नहीं आऊंगा। लगता है महमूद साहब बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, अली इमरान की तरह काम खत्म करके बाहर आएगा। आप वॉशरूम जाएं। मैं क्यों जाऊं वॉशरूम में? बड़ी बुरी बात है, जाए ना भाई। जब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों जाऊं? ओहो पानी लेके जाएं वॉशरूम में। ये जो तुम मुझे लाने के लिए कह रहे हो वो पानी है? जी। जल्दी करें। अबे काम तू कर रहा है या मैं? तू जल्दी कर, दरवाजा खोल। क्यों? अबे पानी देना है। ऐसे ही दे दें? महमूद साहब आप इधर से डाल दें, वो अंदर से चाट लेगा। अच्छा लाएं। ये लो। अरे
मुझे पानी पीना थोड़ी है। अबे तो क्या नहाना है? हमारे नहाने के लिए पानी नहीं और ये अंदर नहा रहा है। अपनी बात करो अपनी, मैं तो खैर बगैर पानी के भी नहा लेता हूँ। पानी से मैं इसलिए नहीं नहाता क्योंकि पानी गीला कर देता है। मेरा ख्याल है कि ये बाल्टी में पानी मांग रहा है। ओ डूब के मरना है इसने मुझे लगता है। अंदर क्या चीज खराब थी? मेरा पेट। अबे तुझे हमने तेरा पेट ठीक करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो बताए ना कि प्रॉब्लम क्या है। पानी नहीं आ रहा। कहाँ? इस फ्लैट में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, क्यों नहीं आ रहा? मैंने दो बार बाल्टी मंगाई है, दोनों बार बाल्टी में पानी था। अबे चमरूस नलकों में पानी नहीं आ रहा। तो नलकों के बगैर तो आ रहा है। महमूद साहब आप क्या कम थे कि और बुला लिया आपने? तो तुमने मुझे प्लम्बर कहा? नहीं मैंने महमूद साहब कहा आपको। अरे कोई मुझे बताएगा कि करना क्या है? अबे जो तू अंदर करके आया वो हमने तुझे बताया था करने के लिए। अबे किचन के नलके में पानी नहीं आ रहा है, चेक कर जाके। मेरे बाथरूम में जा नलका ठीक कर। पहले मेरा शावर। महमूद साहब मुझे लग रहा है ये शावर ही ठीक करेगा। तुम्हारी सोच है। अबे इसको लगा हुआ है नलका क्यों नहीं खोल रहा? जब पानी नहीं आ रहा तो नल खोलने का फायदा। ये टीवी क्यों नहीं ऑन हो रहा? क्या हुआ आपके टीवी को? ऑन नहीं हो रहा। मैं अभी देखता हूँ। अबे तुझसे एक नलका ठीक नहीं हो रहा तो टीवी क्या ठीक करेगा? नहीं नहीं दरअसल मेरा असल काम तो वही है, ये तो पार्ट टाइम है। महमूद साहब आपने इसको पानी लाकर क्यों दिया था? अंदर ही मर जाने देते। अगर ये थोड़ी देर और अंदर रह जाता ना तो हम सब मर जाते। मैं अभी आया। क्या हुआ टीवी को? चल नहीं रहा। पहले चलता था? हाँ। पाँव में मोच तो नहीं आ गई? नहीं मेरे पाँव तो बिल्कुल ठीक है। मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। टीवी के पाँव में कैसे मोच आएगी? आप ही ने तो अभी कहा था कि चल नहीं रहा। मेरा मतलब है ऑन नहीं हो रहा। आखिरी बार कब ऑन किया था? ऑफ होने के बाद। ऑफ कब हुआ था? ऑन होने के बाद। ओहो मेरा मतलब है कि आपने आखिरी बार टीवी कब देखा था? मैं तो अभी भी देख रही हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे ये ऑन नहीं हो रहा डफर। तो फिर आप देख कैसे रही हैं? अपनी आंखों से यू इडियट। टीवी को छोड़ो, जाके मेरे बाथरूम में पानी चेक करो। जब पानी नहीं आ रहा तो चेक कैसे करूं? ओह गॉड। क्या हुआ? आ रहा है भाई? नहीं नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो फारिग हुआ हूँ। अभी मैं पानी का पूछ रहा हूँ। हाँ लगता है कोई खास डिश बनाई है आप लोगों ने। मैं तुम्हारे मुंह में पानी का नहीं कह रहा हूँ, मैं नलके में पानी का कह रहा हूँ। अरे आज के बाद आप लोगों को पानी की कमी महसूस ही नहीं होगी। अरे तू क्या अंदर कुआं खोद रहा था? कुआं खोदने से ज्यादा मुश्किल काम किया है, लाइए 1000 रुपए। मैं मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, आप जेब को हाथ लगाएंगे, मैं दूंगा। मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, 1000 का नोट फंस गया? नहीं 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 मैं बस एक सेकंड में आता हूँ। आप पैसे बिल्कुल नहीं देंगे? तुम खबरदार जो इनसे तुमने पैसे लिए, मैं दूंगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं दूंगा, प्लीज प्लीज। हाँ एक सेकंड बस, मतलब सोचेगा भी नहीं। तो अब क्या मुझे इनका इंतजार करना पड़ेगा? तू क्या इसका सारी उम्र इंतजार करेगा बैठ के? ये ले पकड़, 500 से चलेगा काम? नहीं पूरा 1000, पूरा 1000। ये ले चल। पानी की जगह गैस आ रही है। महमूद साहब खबरें